नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर जालौन से, जहां समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी गंगा जामुनी तहजीब के लिए जाने वाले जालौन जिले में आज कुछ अराजक तत्वों ने फिर से जिले का माहौल खराब करने की कोशिश की है। समूचे घटनाक्रम के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद के गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम ईटों से सामने आया है, जहां देर रात अज्ञात लोगों ने करीब आधा दर्जन से अधिक गायों को धारदार हथियार से घायल कर दिया, जिसमें से दो गायों की दर्दनाक मौत हो गई और शेष पड़ी गायों को जब सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच कुछ हिंदू संगठनों के नेता तथा आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते माहौल गर्माने लगा। इसी दौरान क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ शाहिदा नसरीन, उपजिलाधिकारी माधोगढ़ तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मृत हुई गायों को गड्ढा खुदवाकर दफन कराया तथा घायल हुई गायों को पशु चिकित्सक द्वारा उपचार दिया जा रहा है। जालौन से राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ग्राम ईटों में जो मृत गायें क्या पाई गई यहाँ पर? दो पड़ी हैं। और घायल कितनी है? दो गाय घायल हैं। दो घायल हैं, ठीक। अपने ग्राम ईटों में जो मृत गायें पाई गई हैं, इनका क्या कारण रहा? यहाँ कुछ अराजक तत्व हैं और ये घटना आज की नहीं, आए दिन होती है। यहाँ दिनचर्या बन चुका है, ये गायों का जो है हत्या करने का यहाँ जो है सबसे बड़ा जो है अड्डा बन गया है इस ईंटों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक अमन चैन है। यहाँ जो है कुछ दूसरे मजहब के भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एक अमन चैन है, उसको कुछ अराजक तत्व शांति बिगाड़ने के लिए ऐसा कृत आए दिन यहाँ करते रहते हैं। और अभी जो है आज रात में 21/9/2021 जो आज इसका मॉर्निंग है 22 तारीख का, आज रात में 2:13 पर ये जो है, उस समय हम मौजूद थे यहाँ चौराहे पे, कोई एक आवश्यक कार्य की वजह से आना पड़ा हमें, तो वहाँ पिकेट ड्यूटी आपके पुलिस की थी, तो उनके समक्ष ये गाय दौड़ती हुई आई और जो है इन्होंने यहाँ पर बुरी तरीके तड़प तड़प कर जो है अपना दम तोड़ा। कुछ गाय अभी भी घायल अवस्था में, जिनकी जो है उपचार अगर समय पर न मिल पाया तो कुछ ही समय में वो जो है मृत वो भी हो जाएंगी। तो हम लोग प्रशासन से और शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार का कृत अगर बंद नहीं होता है तो समस्त क्षेत्र की जनता यहाँ पे जो है आंदोलन को बात होगी, और ये आंदोलन ये ऐसा कृत किस और बढ़ जाए, किस दिशा में बढ़ जाए कोई पता नहीं। तो शासन को हम आपके मंच के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार की गौ हत्या तत्काल प्रभाव से बंद हो, क्योंकि शासन और प्रशासन, प्रशासन की जो मंशा है शासन की, इसके खिलाफ यहाँ का जो लोकल का प्रशासन है कम से कम उस पर कमर कसे, वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और इन मृत गायों का तत्काल प्रभाव से डॉक्टर बुलवा के उनका पोस्टमार्टम कराया जाए और जो इंजर्ड गायें हैं उनका तत्काल फौरी इलाज कराया जाए। यही हम समस्त क्षेत्रवासियों की, ग्रामवासियों की मांग है कि पुलिस इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही इन लोगों के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ अगर चाय नाश्ता आप करेंगे तो कार्रवाई क्या करेंगे आप? कम से कम कार्रवाई करना चाहिए आपको। ये केवल आए दिन का काम हो गया, प्रत्येक दिन प्रधान जी को जो है बुला के जेसीबी और गड्ढा खुदवा के उनको गड़वाना पड़ता है, वो आए दिन उनका कृत बंद नहीं हो रहा है। निर्जीव जानवरों को आए दिन उनकी हत्या करना इनका एक पेशा बन गया है। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।